太古のままに生きていると聞いた。我が名はアシタカ。そなたたちは獅子神の森に住むと聞く古い神か。もののけ姫も人間に戻ろう。もののけ姫、山犬に心を奪われた哀れな娘。山の神の森を奪い、たたり神にしても飽き足らず、その石火矢でさらに新たな恨みと呪いを生み出そうというのか。そなたの中には夜叉、この娘の中には。とどもとも滅ぶとも人間に思い知らせ。तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ एंड और जोड़ी इस बार मैं एक एनिमे मूवी लेकर, और बेसिकली पॉपुलर एनिमे मूवी है जिसका नाम है द प्रिंसेस ऑफ मोनोनोके। अभी यह एनिमे गिबली ने बनाया, और गिबली अब बहुत ज़्यादा आगे अपने अच्छी मूवीज़ के लिए जाना जाता है, तो मैंने सोचा ये एनिमे मूवी भी मैं ट्राई मारूँ। तो बेसिकली एनिमे स्टोरी मैं तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ आइडिया के। तो बेसिकली एनिमे मैं स्टोरी नहीं बताऊँगा, मैं बेसिकली इसमें क्या पॉइंट क्या है वो ही मैं बता देता हूँ। तो बेसिकली एनिमे को लेकर एनिमल के फॉर्म में, एज अ बीस्ट फॉर्म में दिखाई गई है। अब देखो, इसकी स्टोरी के अंदर जो हमारा प्रिंस है वो बेसिकली एक कर्स बोर को रोकने जाता है, जिसके कारण वो कर्स उसको भी लग जाता है, जिसके लिए वो वेस्ट में जाता है। जहाँ पे हमें ये मालूम पड़ता है कि वेस्ट में बेसिकली जो प्रिंस इबोशी है वो बेसिकली थोड़ी मॉडर्नाइज होती जा रही है, उसके पास बंदूकें आ रही है, जिसके लिए कहीं ना कहीं एम्परर, ऐसा बोला जाता है कि जो कोई भी एम्परर को अगर डियर गॉड की अगर गर्दन ला के दे देंगे तो वो गर्दन पता नहीं क्या रिवॉर्ड होगा, मुझे मालूम नहीं। जिसके लिए वहाँ पे जो फॉरेस्ट है वहाँ पे वो अटैक करती जा रही है, एंड वहाँ पे अलग अलग एनिमल्स की जो फॉर्म है, जो स्पिरिट्स हम बोल सकते हैं, जो प्रोटेक्ट कर रहे अलग अलग स्पिरिट्स को ले, गाइडेंस स्पिरिट, जैसे हमें वहाँ पे एप्स की बताई गई है, बोर्स की बताई गई है, एंड मोनोको वुल्फ की भी बताई गई है। तो जब वो वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे जाके वो बेसिकली दोनों साइड से रहता है। एनिमे की ना एक ऐसी कंडीशन हो जाती है कि वो वहाँ के लोगों को भी बचाने की कोशिश करता है, और फॉरेस्ट में जो मोनोको है उसको भी बचाने की वो कोशिश करता है। तो एनिमे अच्छी है, एनिमे फैमिली मूवी है, एनिमे जो है देखने लायक है। बट मैं इस बात पर आ रहा हूँ कि एनिमे हमें बताना क्या चाहते हैं। एनिमे की मैंने लास्ट मूवी, अगर मैं गिबली की बात करूँ तो गिबली हमें मूवी में दिखाते आ रही है, जैसे कि स्पिरिटेड अवे, जिसके अंदर स्पिरिट्स के ऊपर हमें बताई गई थी। फिर मैं बात करूँ नेवर ऑफ टोटोरो, उसके अंदर भी गार्जियन स्पिरिट्स को बताया गया था, उतना कम बताया गया था, नॉर्मली दिखाया गया था, उसके अंदर कुछ मोटिव नहीं दिखाया गया था। बल्कि प्रिंसेस ऑफ मोनोनोको के अंदर उनका एक मोटिव है कि कैसे भी करके एक तो डियर गॉड को बचाना है, एंड डियर गॉड बाद में जो जाते हैं अपने, वो जब ख़त्म हो जाते उसके बाद भी वो कुछ ना कुछ करके ही जाते हैं, कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होता ही है। एंड इसी तरह ये लोग, मुझे लगता है ये लोग किसी तरह हमें कुछ शो कर रहे हैं कि एक हमें किरने, हमें हमारे आसपास एक डाइटी भी रहती है, एक नेचुरल फॉर्म एनर्जी भी रहती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है, जिनकी हमें वर्शिप करनी चाहिए, आई थिंक ऐसा कुछ कहना चाहते हैं। एंड हमारे सराउंडिंग तो रहती है। अब मुझे नहीं हम जापनीज को स्पिरिट्स का बहुत से मामले, तो ओवरऑल मूवी अच्छी थी, मेरे को मूवी देखने में मज़ा तो आया, मूवी एंटरटेनिंग थी, और सच कह रहा हूँ कैरेक्टर के डिज़ाइन बहुत अच्छे थे। कुछ नहीं, तो इसी के साथ मैं टाटा बाय बाय। ये मूवी तुम जरूर देखना, फैमिली मूवी है, तुम इसको आराम से देख सकते हो। हाँ, अब अगर तुम्हें हाथ कटे हाथ पर देखने का शौक हो तो सही है। तो टाटा।